सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुखेंद्र, आप देख रहे हैं खुशी पिक्सेल इंडिया। सो गाइस देखिए, आज मैं आप लोगों को दिखाएंगे डीजे डांस फ्लोर जो होता है, ठीक है, उसका कनेक्शन कैसे करता है, उसका लेआउट कैसे बनाते हैं। तो वही मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा उसका कनेक्शन क्या होता है, वो भी आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, मैं उसका लेआउट बनाने के लिए एलईडी 2014 को यूज करूंगा। तो पहले मैं उसको ओपन कर लेता हूं। तो देख सकते हो दोस्तों, मैंने एलईडी 2014 को ओपन कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। देखिए दोस्तों, उसको क्लिक करने के बाद इस तरह का एक पेज आपके सामने आ जाएगा। तो इसका आपको क्या करना है, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेना है। तो चलिए मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। और देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए लाइट वर्टिकल पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर सिंपल क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डेसिंग क्रिएट करना है। तो चलिए मैं 12-12 करके दिखाऊंगा, 12x12, ठीक है। तो 12 पिक्सल हॉरिजॉन्टल में भी 12 पिक्सल और वर्टिकल में भी 12 पिक्सल। तो चलिए, देख सकते हो दोस्तों, ये मेरा हो चुका है। तो चलिए इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक सिलेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसका आपको क्लिक कर लेना है और इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेना है। देखिए दोस्तों, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद इसको कॉपी कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर एक कॉपी का भी ऑप्शन है। इसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको पेस्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए इसी तरह का एक मिल जाएगा। तो इसका आपको क्या करना है, चलिए मैं फिर पेस्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं पहले इसको डिसलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इसको कनेक्शन भी कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक लाइन का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस चलिए दोस्तों, मैं इसको पूरा को फिर एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। तो चलिए इसको मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है और इसको आपको डिसलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। चलिए मैं इसका कनेक्शन भी कर लेता हूँ। तो चलिए मैं फिर लाइन ले लेता हूँ। और देखिए दोस्तों, मैं कनेक्शन करूँगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से
ये सबको यहाँ से कनेक्शन करना है, यहाँ से यहाँ तक। देखिए दोस्तों, ये मेरा लेआउट तैयार हो चुका है, देख सकते हो। देखिए दोस्तों, मैंने एक पोर्ट भी ले लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है पोर्ट वाला ऑप्शन। तो चलिए मान लीजिए ये मेरा पोर्ट है, तो ये मेरा कंट्रोलर है, ठीक है। तो इसको, इसका डेटा को मेरे को क्या करना है, यहाँ तक कनेक्ट कर देना है। देखिए देखिए, मेरा डेटा ये कंट्रोलर है, यहाँ से यहाँ तक घुसा। और देखिए यहाँ पर इस कनेक्शन है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कंट्रोलर लगाया है, ठीक है, देख सकते हो। यहाँ पर मैंने कंट्रोलर लगाया है, ये डाटा यहाँ पर घुसाया है। देखिए दोस्तों, इसी तरह का इस कनेक्शन हुआ है, देख सकते हो। देखिए इसी तरह का, और यहाँ से जो डाटा निकल रहा है, इसको क्या किया मैंने, इसके साथ कनेक्ट कर दिया, देख सकते हो। और ये डाटा इसी तरह का इस कनेक्शन होता के यहाँ पर एंड हो गया। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इस डेटा को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। और देखिए दोस्तों, ये वाला मेरा एंड पोर्ट है। तो देख सकते हो, यहाँ पर इसी तरह का आपको छोड़ देना है। तो दोस्तों देखिए, इसी तरह का ट्रांसफ्लोर का कनेक्शन होता है। दोस्तों देखिए, इस लेआउट को सेव करने के लिए आपको इस तरह का एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हो दोस्तों। ये सेव वाला बटन है, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। देखिए दोस्तों, इस तरह का एक पेज आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको एक फाइल नेम डाल देना है, और यहाँ पर आपको लोकेशन चूज कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली सेव कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैंने मेरा डेस्कटॉप पर करके रखा है, तो देखिए मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। देखिए दोस्तों, यह है वो फाइल, CSV फाइल, ठीक है। तो चलिए मैं इसको LDD 2014 पर ओपन करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन भी मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, एक्सपोर्ट CVX फाइल, देख सकते हो। यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है, इसके बाद वो फाइल को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देखिए दोस्तों, वो वाला लेआउट मेरा इधर आ चुका है, देख सकते हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नया विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बगल वाले नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिए, उसके बाद ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।